मेरा समर्थन जब आप सांसद संजय सिंह से बोली सोनिया गांधी। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निलंबन और मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध के बीच सोनिया गांधी ने धरना दे रहे सांसदों से मुलाकात की। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। विपक्षी दलों का कहना है कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर बयान दे, वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष चर्चा से भाग रही है, संबंधित मंत्री बयान देने के लिए तैयार हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सोमवार को राज्यसभा से बचे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया। इस मसले और मणिपुर पर सीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसद संसद के बाहर लगातार धरना दे रहे हैं। इस बीच संसद परिसर में धरना दे रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलाकात की और कहा कि हम आपके साथ हैं। सोनिया गांधी ने क्या कहा? आप नेता संजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर टीम इंडिया के मणिपुर हिंसा के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर कहा कि मेरा समर्थन आपके साथ है। इस वीडियो में संजय सिंह के अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कई नेता दिख रहे हैं। दरअसल संजय सिंह को सोमवार को राज्यसभा में हंगामा और आसन के निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर वर्तमान मानसून सत्र की शेष अवधि तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी से संसद में वक्तव्य देने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इन बटन फॉर कॉन्फिडेंस मोशन।